तो स्टार्ट करते हैं बैंगन का भरता बनाना। उसके लिए सबसे पहले मैंने बैंगन ले लिया है। बैंगन के अंदर मैं ऐसे गैशेस लगाऊंगा और अब इसके अंदर मैं ये लहसुन की कलियां हैं और लहसुन की कलियां भरूंगा। ये साबुत लहसुन है, इससे क्या होगा कि लहसुन का जो फ्लेवर है बैंगन के अंदर तक जाएगा और जब लहसुन रोस्ट हो जाएगा साथ में बैंगन के तो और ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा उसका। अब देखिए मेरे बैंगन रेडी हो चुके हैं, इसके अंदर मैंने लहसुन भर दिया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा के इसको भूनूंगा। भूनने के लिए आप इसको गैस पे भी भून सकते हैं, आपके पास अगर इलेक्ट्रिक तंदूर है उस पे भी भून सकते हैं। ऐसे ही मैंने 7 टमाटर लिए हैं क्योंकि मेरे बैंगन जो है करीबन 1 किलो है, ये 7 टमाटर लिए हैं और 7 टमाटर को भी मैं भून लूँगा। ये बैंगन जो है भून चुके हैं और अब मैं इनका छिलका उतारूँगा। छिलका उतार के इसको मैश कर लूँगा। मैं भरते को सरसों के तेल में बना रहा हूँ, आप चाहे तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। ढाबे में जो है ज़्यादातर जो है सरसों के तेल में ही भरते को बनाया जाता है। और हाँ, भरता तभी अच्छा लगता है जब तेल ज़्यादा हो, सूखा सूखा भरता अच्छा भी नहीं लगता। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसको तेल को काटूँगा। काटने को तो नमक से भी काट सकते हैं, बट जो तेल पानी से कटता है वो चीज़ नमक से नहीं आती। ये देखिए तेल बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है इसमें। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगा हींग, जीरा, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर। इसको सौते करेंगे थोड़ा सा हम। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, ये फाइनली चॉप अनियन है। और प्याज को हमें इसके अंदर ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए अब हमारे जो प्याज हैं वो हो चुके हैं और ये जो टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए हैं जो मैंने रोस्ट करे थे, ठीक है, अब मैं इनको इसी में डाल दूंगा। हमें इसके लिए कच्चा पक्का ही रखना है, जो है बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। ये है धनिया पाउडर, ये है मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए, हल्की सी हल्दी और ये नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब हम इसको मिला लेंगे सारे मसाले को। हमने इस बैंगन को मैश कर लिया है और अब मैं इसको इसी के अंदर मिला दूंगा और अब हम इसको अच्छी तरह तेज आंच पे भून लेंगे। अब जो सारा काम है वो बुनाई पर ही है। आप बैंगन के भरते को जितना भूनेंगे आपका बैंगन का भरता उतना ही बढ़िया बनेगा। ये देखिए हमारा बैंगन का भरता जो है भून रहा है अभी। अब मैं थोड़ा स्पाइसी और करने के लिए इसके अंदर हरी मिर्ची डालूंगा चॉप की हुई, थोड़ा सा अदरक का लच्छा, हरा धनिया और अब इसको भुनाई करूंगा। आप भरते को जितना भूनेंगे आपका भरता उतना बढ़िया बनेगा। ये देखिए हमारा जो बैंगन का भरता है वो रेडी हो चुका है। ये हमारा बैंगन का भरता रेडी है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ खा सकते हैं।